तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी गेमिंग में। तो भाई आज की ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कोई गेम प्ले लेकर नहीं आया हूं, बल्कि इस वीडियो में हम फुटबॉल के कुछ विशेष रूल एंड रेगुलेशंस जो होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो तांजो जो जैसे क्रिकेट होती है हमारी, उसमें सभी लोग अच्छे से देखते हैं, उसको समझते भी हैं। तो ये वीडियो भाई उन लोगों के लिए जिनको फुटबॉल के बारे में कम नॉलेज है, तो उनके और उनके कोई डाउट्स भी हैं, तो वो इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। तो चलिए हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो भाई जो फुटबॉल है वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी मिडिल ऑफ द 19th century। तो इसके बाद भाई ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और अब पूरी दुनिया में इसके 4.2 बिलियन फैंस हैं। तो भाई ये एक नंबर पे है स्पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में, जो कि क्रिकेट से भी आगे है। तो भाई एक फुटबॉल मैच में दो 45-45 मिनट्स के हाफ होते हैं, तो इन दोनों हाफ्स में जो टीम ज़्यादा गोल स्कोर करती है तो उसे विनर माना जाता है उस मैच का। तो भाई अगर ग्राउंड मेजरमेंट की बात करें तो जो फुटबॉल की ग्राउंड की विड्थ होती है वो होती है 45 से 90 मीटर, और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 90 से 120 मीटर तक। और अगर उसके बाद अगर हम गोल पोस्ट की बात करें तो भाई वो जो 2.44 मीटर ऊंचा होता है और 7.32 मीटर उसकी लेंथ होती है। तो भाई इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है रेफरी प्लेयर एंड किक ऑफ। तो भाई अगर रेफरी की बात करें तो वो एक फुटबॉल मैच में तीन रेफरी होते हैं। एक रेफरी ग्राउंड के अंदर रहकर फाउल्स का ध्यान रखता है और बाकी के दो रेफरी भाई ग्राउंड के बाहर रहकर ऑफलाइन का ध्यान रखते हैं। उसके बाद भाई अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो एक फुटबॉल मैच में भाई 11 प्लेयर होते हैं, जिसमें तीन विंग फॉरवर्ड होते हैं, तीन मिडफील्डर होते हैं और फोर डिफेंडर्स होते हैं और एक गोलकीपर होता है। तो भाई ये जो फॉर्मेशन है वो चेंजेस भी होते रहती हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें भाई किक ऑफ की, तो किक ऑफ भाई आगे से शुरू होती है, जिस टीम को आगे पास दिया जाता है और वो फिर से अटैक पे आती है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है टीम फॉर्मेशन। तो भाई टीम फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये फॉर्मेशन है 4-4-2 फॉर्मेशन। इसमें टू सेंटर फॉरवर्ड हैं भाई और फोर मिडफील्डर हैं और फोर जो हैं वो डिफेंडर हैं और एक गोलकीपर है भाई। तो ये है एक एग्जांपल 4-4-2 फॉर्मेशन की। और इसके अलावा भाई और फॉर्मेशन होती है, जैसे कि 4-4-2 फॉर्मेशन, 4-3-3 फॉर्मेशन, 4-4-1 फॉर्मेशन। ये भाई सभी फॉर्मेशन है जिसमें प्लेयर्स खेलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई, वो है पासिस एंड थ्रू बॉल। तो भाई पासिस एंड थ्रू बॉल में जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो पासिस होते हैं भाई वो प्लेयर टू प्लेयर दिए जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लियोनेल मेसी एक नेक्स्ट प्लेयर को पास दे रहा है, तो ये पास होता है। तो अगर थ्रू बॉल की बात की जाए तो भाई थ्रू बॉल होता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के आगे गेंद देता है। जैसे कि इसमें देखते हैं आप कैसे जो है अगले प्लेयर को आगे गेंद दे रहे हैं, तो ये बताते हैं थ्रू बॉल। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है भाई थ्रोइंग, गोल किक एंड कॉर्नर। तो भाई फुटबॉल खेलते खेलते अगर कोई प्लेयर गेंद को लेंथ वाली साइड से बाहर धकेल देता है, तो भाई दूसरी टीम का खिलाड़ी उस गेंद को हाथ में लेकर दोबारा ग्राउंड में बॉल को थ्रो इन करता है, तो भाई इसे बोलते हैं थ्रो इन। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही अगर टीम ए का खिलाड़ी टीम बी के एरिया में विड्थ वाली लाइन से गेंद को बाहर धकेल देता है, तो भाई जो टीम बी का गोलकीपर है वो उस बॉल को किक लगाता है, उसे बोलते हैं गोल किक। भाई बिल्कुल ऐसे ही अगर टीम बी के एरिया है, तो अगर टीम बी का ही खिलाड़ी गेंद को विड्थ वाली लाइन से बाहर फेंक देता है, तो भाई टीम ए के खिलाड़ी को कॉर्नर किक मिल जाती है, यानी कि वो कॉर्नर से गेंद को रख के किक लगाता है और हेडर से उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी गोल करने का चांस मिलता है, जिसे इसे बोलते हैं भाई कॉर्नर किक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा ऑफसाइड रूल। तो भाई अगर बात करें ऑफसाइड रूल की, तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं, मान लीजिए जो टीम बी का खिलाड़ी वो है रेड शर्ट में और जो व्हाइट शर्ट में वो है टीम ए का खिलाड़ी। तो भाई जो टीम ए का खिलाड़ी वो टीम ए के खिलाड़ी को पास दे रहा है, पर ये पास है जो भाई वो माना नहीं जाएगा, जो रेफरी होगा वो ऑफसाइड दे देगा इसे, क्योंकि भाई जो टीम ए का दूसरा खिलाड़ी है वो टीम बी के डिफेंडर से आगे है, इसलिए भाई ये पास नहीं माना जाएगा। इसे जो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं ऑफसाइड लाइन। तो भाई ये होता है ऑफसाइड रूल। तो भाई आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो ऑफसाइड लाइन है ये यहाँ पे है
आपके सामने। तो भाई जो जो ये टीम ए का है खिलाड़ी, वो टीम ए के खिलाड़ी जो इस लाइन से आगे है उसको पास नहीं दे सकता, तो भाई ये ऑफ साइड माना जाएगा, इसे बोलते हैं ऑफ साइड रूल। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाउल, येलो कार्ड एंड रेड कार्ड। तो भाई अगर बात करें फाउल की, तो अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर से बॉल छीनने के लिए टैकल लगाता है और वो प्लेयर गिर जाता है, तो भाई उसे फाउल माना जाता है। और इसके चलते रेफरी जो होता है ग्राउंड में, वो विसल बजा के उसको फाउल दे देता है और उसको येलो कार्ड भी दे सकता है। तो येलो कार्ड भाई क्या होता है? तो अगर किसी प्लेयर को येलो कार्ड रेफरी दे दे, तो वो उसे एक वार्निंग होती है कि वो आगे से ये टैकल नहीं लगा सकता, और अगर उसने टैकल लगाया तो उसको रेड कार्ड मिल जाएगा। तो भाई रेड कार्ड मिलने का मतलब है कि वो प्लेयर उस मैच में बिल्कुल नहीं खेल सकता, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच उस टीम का होगा तो उसमें भी वो प्लेयर नहीं खेल पाएगा। तो ये रेड कार्ड का मतलब होता है भाई। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने जितना हो सका वो आप लोगों को जानकारी दी फुटबॉल के बारे में। तो भाई अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं फुटबॉल को लेकर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा भाई। तो भाई मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए भाई आप अपना ख्याल रखें। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।